अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान फजले रहमान रहमानी। आज मुरखा 16 अक्टूबर है। पेश है दूरबीन की ताज़ा तरीन पेशकश। आज दूरबीन के अहम मौजूआत हैं। इसराइली फोर्सेस गजा में हमास के अस्करियत पसंद के ख़िलाफ़ बैक वक्त ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी हमलों की तैयारी कर रही है। दूसरी जानिब खत्ते में अमरीकी जंगी जहाज़ों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। आज की दूरबीन में देखिए जंग की ताज़ा सूरत हाल। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी का कहना है कि इसराइल एक गासिब मुल्क है जिसने फ़लस्तीन की सरजमीन पर बाज़ आलमी ताकतों की पुश्त पनाही से गासिबाना कब्ज़ा कर रखा है। आज की दूरबीन में तफसील के साथ देखिए उन्होंने इस सिलसिले में मज़ीद क्या कुछ कहा। सऊदी अरब ने हमास और इसराइल के दरमियान जारी जंग पर इस्लामी तआवुन तंजीम यानी OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास की रुदात तफसीलात में ज़रूर देखिए। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को फलस्तीन हामी पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी है। इस गाइडलाइंस में और क्या हिदायत हैं दूरबीन की तफसीलात में साफ साफ देख लीजिए। जुनूबी रियासत तेलंगाना की हुक्मरा जमात BRS ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया है जिसमें 400 रुपये में गैस सिलेंडर और हर राशन कार्ड पर 5 लाख तक बीमा देने का वादा किया गया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में 3.20 करोड़ रुपए के लूट की वारदात हुई है। दिलचस्प बात यह है कि मुजरिम ने ED अफसरान का रूप धारण करके इस वारदात को अंजाम दिया। तफसीलात में देखिए पूरी कहानी। तमिलनाडु के वजीर और MK स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाने को नाकाबिले कबूल करार दिया है। नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का झंडा लहरा दिया गया है। 3 दहाइयों तक आर्मेनिया के अलहदगी पसंदों के जेर इंतज़ाम रहने वाले इस इलाके पर अब अजरबैजान का झंडा बुलंद हो गया है। पूरा कज़िया तफसीलात में देखिए और समझिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में कहा है कि सऊदी अरब में अमेज़न के गोदामों में काम करने वाले तारिकीन वतन नागुफ्तबे और खौफनाक हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तफसीलात में देखिए पूरा मामला। गुज़िश्ता रोज़ ICC वनडे वर्ल्ड कप 2023 में पहला अपसेट देखने को मिला जिसमें अफगानिस्तान ने दिफाई चैंपियन इंग्लैंड को एक तरफा मुकाबले में 69 रन से करारी शिकस्त दे दी। मैच की पूरी तफसील आज की दूरबीन में जरूर देखिए। आप हमें YouTube पर देखने के अलावा हमारे तमाम सोशल मीडिया पेजेस पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप फिक्र नज़र उर्दू का प्रोग्राम दूरबीन देख रहे हैं। गजा की वजारत सेहत के मुताबिक लड़ाई शुरू होने के बाद से अब तक 2300 से ज़ायद फ़लस्तीनी हलाक हो चुके हैं जबकि ज़ख्मियों की तादाद 9000 से भी तजावुज़ कर गई है। इस तरह ये लड़ाई गजा की गुज़िश्ता 5 तनाज़ुआत की नस्बत मौलिक तरीन साबित हो रही है। हलाकतों की यह तादाद सन 2014 में इसराइल और हमास के दरमियान होने वाले तीसरे मुसल्लह तसादुम से भी ज़्यादा है। अक़वामे मुत्तहिदा के आदादोशुमार के मुताबिक उस वक्त 1462 शहरियों समेत 2251 फ़लस्तीनी मारे गए थे। दूसरी जानिब इसराइल के लिए मिस्र और शाम के साथ सन 1973 की योम कपूर जंग के बाद मौजूदा लड़ाई सबसे मौलिक है। हमास के हमलों में 1300 से ज्यादा इसराइली हलाक हो चुके हैं जिनमें ज्यादातर आम शहरी हैं। गजा के लाखों शहरियों को खुराक, पानी और अपनी हिफाजत के लिए शदीद जद्दोजहद का सामना करना पड़ रहा है। दरअसना इसराइल ने गजा के शुमाल में रहने वाले रिहायशियों को इलाका छोड़ने के लिए मजीद चंद घंटों की मोहलत दी है। जारी होने वाले इसराइली बयान के मुताबिक जो फलस्तीनी खुद को और अपने अहले खाना को बचाना चाहते हैं वो गजा के जुनूब की तरफ चले जाएँ। ऐसी इत्तलाहात भी हैं कि हमास आम शहरियों को इलाका छोड़ने से रोक रही है। लाखों फलस्तीनी पहले ही गजा के शुमाली इलाके से निकल चुके हैं। इसराइली ज़मीनी कार्रवाई से पहले मजमूई तौर पर 10 लाख फलस्तीनियों को यह इलाका छोड़ने का हुक्म दिया गया था। अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने मशरक़ वस्ता के बहरानी दौरे के दौरान रियाज में सऊदी वलीहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ये मुलाकात दारुलहुकूमत के मुजाफात में मोहम्मद बिन सलमान के शाही फार्म हाउस में हुई लेकिन इस मुलाकात की तफसीलात फराहम नहीं की गई।
अमरीकी वजीर खारजा ने अपने होटल में आने के बाद कहा कि यह मुलाकात काफ़ी नतीजा खेज थी। खबर रसा एजेंसियों ने बताया कि यह मुलाकात एक घंटे से भी कम वक्त तक जारी रही। अमरीकी सदर जो बाइडन की इंतजामिया इसराइल और हमास की लड़ाई को वसी तर इलाकाई तनाज़ों में तब्दील होने से रोकने के लिए कोशां हैं। दरियासना इतलात हैं कि सऊदी अरब ने सिफारती ताल्लुकात कायम करने के हवाले से इसराइल के साथ जारी मुज़ाकरात का सिलसिला मुनक़त कर दिया है। इतलात के मुताबिक सऊदी अरब ने ऐसा गजा पर शदीद इसराइली फजाई हमलों की वजह से किया है। हमास के हमले से कबल ये दोनों ममालिक ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए अमरीकी सालिसी में एक तारीखी मुआहदे की जानिब बढ़ रहे थे। इसराइल ने गजा में बिजली, पानी और गैस की सप्लाई मुनक़त कर रखी है। इसराइली फोर्सेज ने हमसाया मुल्क लबनान में मुनक़द ठिकानों को निशाना बनाया है। कबल अज़ीं लबनान की सरहद के अंदर से एक टैंक शिकन मिज़ाइल इसराइल की जानिब फायर किया गया था। हिजबुल्लाह के अलमिनार टीवी के मुताबिक इस हमले में एक गाइडेड मिज़ाइल इस्तेमाल किया गया था जिसका मकसद सरहद पर एक इसराइली पोस्ट को निशाना बनाना था। हालिया चंद दिनों में लबनान इसराइली सरहद पर ऐसी झड़पों के मुतअद्दिद वाक़यात रुनुमा हो चुके हैं। इसराइल गजा के साथ साथ लबनान सरहद पर भी अपनी फौजी मौजूदगी में इजाफा कर रहा है ताकि किसी मुमकिन हमले का मुकाबला किया जा सके। रूस ने अक़वामे मुत्तहिदा के 15 रुकनी सलामती कौंसिल से मुतालबा किया है कि पीर के रोज़ इस करारदाद के मुसवदे पर वोटिंग कराई जाए जिसमें इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ों में इंसानी बुनियादों पर जंगबंदी का मुतालबा किया गया है। इस करारदाद के मुसवदे में शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी और तशद्दुद की कार्रवाइयों की भी मजम्मत की गई है। मुसवदे में इसराइल और फलस्तीनियों का हवाला दिया गया है लेकिन बराह रास्त हमास का नाम नहीं लिया गया। सदर जमीयत उलमाए हिंद रुकन राबते आलम इस्लामी मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद बैतुल मक़द्दस फ़िलिस्तीन और गज़ा के तहफ़ुज़ के लिए रोज़े अव्वल से हर होने वाली जिद्दोजहद की हामी रही है। वो आज भी फ़िलिस्तीन के साथ खड़ी है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा कि इसराइल एक ग़ासिब मुल्क है जिसने फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर बाज़ आलमी ताकतों की पुश्त पनाही से ग़ासिबाना कब्ज़ा कर रखा है और उनकी शह पर अब उस सरजमीन से फ़िलिस्तीनी आवाम के वजूद को ख़त्म करने के दरपे है। उन्होंने गजा पर इसराइली फौज की जारहियत, वहशियाना हमलों और मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए दावा किया कि यह जंग इसराइल की मुस्तकिल दहशतगर्दी के मंसूबों का हिस्सा है। बिलाखिर फितरी रद्द अमल के तौर पर फलस्तीनियों ने इंतहाई जुरत व हिम्मत का मुजाहरा किया और जालिम इसराइल पर ऐसा जवाबी हमला किया जिसका इसराइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। उन्होंने कहा कि जमीयत उलमाए हिंद गजा पर हमलों को इंसानी हकूक पर होने वाला संगीन हमला तसव्वुर करती है और इसकी शदीद मजम्मत करती है। अफसोस कि आज दुनिया के वो ममालिक भी इस जुल्म पर खामोश हैं जो आलमी अमनो इत्तेहाद के नकीब होने का दावा करते हैं और इंसानी हुकूक का मुसलसल राग अलापने वाले आलमी इदारे भी चुप हैं। साथ ही उन्होंने तमाम आलमी रहनुमाओं से गजा में जारी अंदोहनाक जंग और निहत्ती आबादियों पर होने वाले ख़तरनाक बमबारी को फौरी तौर पर रोकवाने के लिए आगे आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल, वर्ल्ड मुस्लिम लीग और दूसरे बाअसर आलमी इदारे किसी ताखीर के बगैर मुदाखलत करें और वहाँ अमन के क़याम के लिए मुस्बत और मौसर कोशिशें करें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस जंग का दायरा बढ़ सकता है और ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है। मौलाना मदनी ने इस बात पर भी सख्त अफसोस का इजहार किया कि एक तरफ बेगुनाह शहरी मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ इस पर होने वाली अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की हालिया मीटिंग चंद बड़ी ताकतों की बेहिसी की वजह से नाकाम हो गई। उन्होंने कहा कि फ़िलिस्तीन के मसले पर 75 बरस से यही हो रहा है। इसका तारीख पहलू तो यह है कि अगर कभी अक़वामे मुत्तहिदा ने कोई करारदाद मंजूर भी की तो इसराइल ने उसे तस्लीम नहीं किया और पूरी दुनिया खामोश तमाशबीन बनी रही। यही वजह है कि इस मसले का अब तक कोई काबिल कबूल हल नहीं निकल सका। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया की बाज़ बड़ी ताकतें अपने अपने मफाद के पेश नज़र मशरक़ वस्ता में ख़तरनाक खेल खेलती आई हैं जिसकी वजह से फ़लस्तीन की आवाम मुसलसल इसराइल के नाजायज़ तसल्लुत और उसके जुल्म बरबरीत का शिकार हैं। मौलाना मदनी ने कहा कि जहाँ तक हिंदुस्तान का ताल्लुक है उसने हमेशा क़याम अमन और फ़लस्तीनी आवाम के हकूक़ की बात की है। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर रफ़ी अहमद गिदवाई से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक सब ने हमेशा फ़लस्तीनी काज की हिमायत की है। लेकिन वक्त की सितम ज़रीफ़ी देखिए कि आज हिंदुस्तान का मीडिया अपने हकूक़ की बाजियाबी के लिए लड़ने वाले हमास को दहशतगर्द करार दे रहा है। उन्होंने वजाहत की कि फ़लस्तीन की आवाम की जद्दोजहद अपने वतन की आज़ादी और क़िबले अव्वल की बाजियाबी के लिए है और तनाज़ों की असल जड़ इसराइल की ख़तरनाक
तौसी पसंदाना सोच है जिसके जरिए वो फलस्तीन के आवाम को वहाँ से बेदखल करके पूरे अर्ज़ फलस्तीन पर कब्ज़ा जमा लेना चाहता है। उन्होंने कहा कि आज भी हमको अपने बुज़ुर्गों के कदीम मौक़िफ़ पर कायम रहना चाहिए और इंसाफ का तकाजा भी यही है कि हक का साथ दिया जाए क्योंकि फलस्तीन के आवाम हक पर हैं। सऊदी अरब ने हमास और इसराइल के दरमियान शुरू होने वाली लड़ाई पर इस्लामी तआवुन तंजीम यानी OIC का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। नशरियाती इदारे अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी अरब ने गजा और उसके अतराफ में बढ़ती फौजी कार्रवाइयों और खत्ते में बढ़ते सिक्योरिटी खदशात पर तबादले ख्याल के लिए हंगामी इजलास तलब किया। ख्याल रहे कि इसराइल पर रवा माह 7 अक्टूबर को हमास के गैर मुतवक्के और अचानक ज़मीनी फ़िज़ाई और बहरी रास्ते से एक साथ किए गए हमले और उसके बाद रॉकेट हमलों में 1300 से ज़ायद इसराइली हलाक हो चुके हैं। इस हमले में हमास ने 130 से ज़ायद इसराइलियों को यरगमाल बनाने का दावा किया था। ये यरगमाली अब भी हमास और गजा की दीगर अस्करी तंजीमों की कैद में हैं। हमास की कार्रवाई के बाद इसराइल ने गजा पर बमबारी शुरू की थी जबकि उसने इस साहिली पट्टी की नाकाबंदी भी की हुई है। इसराइली हमलों में अब तक गजा में 2300 से ज़ायद फ़िलिस्तीनियों की हलाकतें हो चुकी हैं। इसराइल ने हमास को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई शुरू करने का ऐलान किया है जबकि गजा पट्टी पर मुसलसल गोलाबारी की जा रही है और मुतवक्के ज़मीनी कार्रवाई से कबल लाखों फौजियों को गजा की सरहद पर तैनात कर दिया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के निगरान वज़ीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का इतवार को कहना था कि वो गजा में बढ़ती कशीदगी पर बातचीत के लिए OIC के अगले हफ्ते होने वाली हंगामी इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने इसराइल के इकदाम की मजम्मत करते हुए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि इसराइल ने फलस्तीनियों के खिलाफ जारहियत में इजाफा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने पुलिस को इसराइल हमास तसादुम पर हिंदुस्तानी हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालफत करने और फ़लस्तीन की हिमायत करने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। दक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने खबरदार किया है कि किसी भी ऐसे शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इसराइल हमास तसादुम पर हुकूमत के मौक़िफ़ की मुखालफत करने और सोशल मीडिया पर फ़लस्तीन की हिमायत का इजहार करने वाली सरगर्मियों में मुलव्वस पाया जाएगा। वज़ीर आला की यह हिदायत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में कुछ दिन पहले इसराइल मुखालिफ मार्च के ठीक बाद आई है। एक सीनियर अफसर ने कहा कि सीनियर जिला पुलिस अफसरान से कहा गया है कि वो मुस्लिम उलमा से बात करें और यह वाज़ह करें कि सोशल मीडिया पर जज्बात भड़काने की किसी भी कोशिश या मजहबी मकामात से इस तरह की अपील को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसर ने बताया कि पुलिस को ऐसी किसी भी कोशिश के खिलाफ फौरन कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। पुलिस इन रिपोर्ट्स की भी तहकीकात कर रही है कि एक मुसलमान पुलिस एहलकार ने फलस्तीन की मदद के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई थी। पुलिस ने यूपी के बरेली जिला में एक नामालूम नौजवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जिसने गजा पर फिजाई बमबारी की तस्वीरें पोस्ट की थी। इसराइल और फलस्तीन की दहशतगर्द तंजीम हमास के जरिए शुरू किए गए जंग के बाद हिंदुस्तान ने इसराइल के साथ यकजहती का इजहार किया है और मुल्क पर दहशतगर्दाना हमलों की मजम्मत की है। तेलंगाना की हुक्मरान जमात BRS ने इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। इसमें KCR बीमा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम का ऐलान किया गया है जिसमें हर राशन कार्ड रखने वाले के लिए 5 लाख रुपए तक लाइफ इंश्योरेंस की सहूलत होगी। तेलंगाना के 93 लाख खानदानों को इससे फ़ायदा होगा। दलित बंधु बीमा के खतूत पर इस स्कीम पर मौसर अमल के लिए रियासती हुकूमत LIC को मुकम्मल प्रीमियम की रकम अदा करेगी। राशन कार्ड रखने वालों के लिए एक और बड़ी स्कीम तेलंगाना अन्नापूर्णा का ऐलान किया गया जिसके जरिए 93 लाख खानदानों के लिए बारीक चावल की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। BRS ने दलित बंधु स्कीम की सालाना रकम 10,000 रुपये में इजाफा करते हुए हर साल 16,000 रुपये करने का फैसला किया है। आइंदा माली साल के दौरान यह रकम 12,000 रुपये होगी और हर साल इसमें 16,000 रुपये तक का इजाफा होगा। आसरा वज़ायफ़ की रकम 2016 रुपये में मरहलावार तौर पर इजाफा करते हुए इसे 5,000 रुपये किया जाएगा। माजूरों के वजीफे 4,016 रुपये को बढ़ाकर 6,000 रुपये किया जाएगा। मरहलावार अंदाज में यह इजाफा होगा। LPG सिलेंडर की कीमतों में मरकज़ के इजाफे के पेश नज़र BRS ने गरीब खवातीन और एक्रेडिशन रखने वाले सहाफ़ियों के लिए 400 रुपये में सिलेंडर फराहम करने का मनसूबा तैयार किया है। सौभाग्य लक्ष्मी स्कीम के तहत महाना एजाजिया 3,000 रुपये दिया जाएगा। आरोग्य श्री स्कीम के तहत इलाज के लिए रकम की हद 15 लाख रुपए कर दी जाएगी जो पहले 10 लाख रुपए थी। दारुल हुकूमत दिल्ली में मुजरमाना वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। भोगल के ज्वेलरी शोरूम में लूट के बाद अब दारुल हुकूमत में एक और बड़ी लूट की वारदात अंजाम दी गई। अब बाबा हरिदास नगर इलाके में 3,20,00,000 रुपए लूट लिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बदमाशों ने खुद को ED अफसर जाहिर करके लूट को अंजाम दिया। मुतासिरा ने बताया कि वो रात को घर से खाने के लिए कुछ लेने गया था। इसी दौरान एक कार में 5-6 लोग उनके घर आए। उन्होंने अपना तारुफ ED
अफसर के तौर पर दिया। बदमाश मुतासिर को 2 घंटे तक घुमाते रहे। इस दौरान बदमाशों के साथी उसके घर से पैसे लेकर फरार हो गए। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने सोनीपत के रहने वाले एक मुलजिम विक्की को गिरफ्तार किया है। बाकी मुलजिमान की तलाश जारी है। तमिलनाडु के खेल और नौजवानों के उमूर के वजीर और डीएमके के सीनियर रहनुमा उदयनिधि स्टालिन ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सामने जय श्री राम के नारे लगाने वाले हुजूम पर तनकीद करते हुए कहा कि ये नाकाबिल कबूल है। IANS की रिपोर्ट के मुताबिक स्टालिन ने हुजूम का जिक्र किया जो मैच में पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट होने पर शोर मचा रहे थे और जय श्री राम के नारे लगा रहे थे। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमके के रहनुमा ने कहा कि इंडिया अपनी खेल और मेहमान नवाजी के लिए मशहूर है, ताहम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो सलूक किया गया वो नाकाबिले कबूल है। खेलों को कौमों को मुत्तहिद करने और हकीकी भाईचारे को फरोग देना चाहिए। नफरत फैलाने के लिए इसे एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। उदयनिधि स्टालिन के की हिमायत में तमिलनाडु में बहुत से क्रिकेट शायकीन ने अगले 10 दिनों में चेपाक में खेले जाने वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम से मोहब्बत और एहतराम का मुजाहरा करने का मुतालबा किया। आपको याद दिला दूं कि अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हफ्ते के रोज टीम इंडिया के एकतरफा मुकाबले में पाकिस्तान को 7 विकेटों से शिकस्त देने के बाद शायकीन ने वंदे मातरम गाया था। पाकिस्तान के कप्तान और दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक बाबर आजम जब रोहित शर्मा के साथ टॉस के लिए बाहर आए तो शायकीन ने उनकी भी हूटिंग की थी। ताहम स्टेडियम में टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली को अपनी दस्तखत शुदा इंडियन जर्सी पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को तोहफे में देते हुए भी देखा गया। गुज़िश्ता माह से जारी कार्रवाइयों के नतीजे में नस्ली आर्मानियाई बाशिंदों की नकल मकानी का सिलसिला मुकम्मल होने के बाद अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने गुज़िश्ता रोज नागोर्नो काराबाख में अजरबैजान का झंडा लहरा दिया। सदर का नागोर्नो काराबाख का यह पहला दौरा था। यह इलाका 1990 से अब तक आर्मेनिया के कब्जे में था। बाको हुकूमत की जानिब से इस दौरे की तस्वीर भी शाये की गई। यह इलाका रवासाल 24 सितंबर के बाद से होने वाले तनाजुआत के बाद अब अजरबैजान की फौज के कब्जे में है और इसे मुकम्मल तौर पर आर्मेनियाई अलहदगी पसंदों से खाली करवा लिया गया है। यह अलहदगी पसंद 3 दहाइयों से इस इलाके पर काबिज थे। सदर के दफ्तर की जानिब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि जमहूरिया अजरबैजान के सदर इल्हाम अलियूफ ने खलकंदी शहर में जमहूरिया अजरबैजान का कौमी परचम बुलंद किया और आवाम से खिताब किया। अंदाजों के मुताबिक इस इलाके में रिहाइश पजीर 1.25 लाख से जायद आर्मेनियाई बाशिंदे वापस आर्मेनिया का रुख कर चुके हैं। सदर का यह दौरे अजरबैजान के सदर बनने के 20 साल बाद हुआ। अपनी आमिराना हुकूमत के दौरान अलियूफ ने काराबाख को दोबारा अजरबैजान का हिस्सा बनाने की ठान ली थी। बाको हुकूमत की जानिब से शाये करदा तस्वीर में सदर को झंडे की ताजीम में घुटनों पर बैठे और परचम को बोसा देते हुए देखा जा सकता है। उन्होंने शहर के कई तारीखी मकामात का दौरा भी किया। अजरबैजान और आर्मेनिया के माबेन नागोर्नो काराबाख पर तनाज़ो सोवियत यूनियन के जवाल के बाद से जारी है। नागोर्नो काराबाख के पहाड़ी इलाके में बुनियादी तौर पर आर्मेनियाई आबाद थे और 1917 में रूसी सल्तनत के जवाल के बाद अजरबैजान का हिस्सा बन गया। इन दोनों ममालिक के माबेन 1990 और 2020 में इसी मसले पर तनाज़ुआत हो चुके हैं। सऊदी अरब में अमेज़न के गोदामों में काम करने वाले तारिकीन वतन कारकुनों को हर वक्त मुलाजमत के दौरान हिफाजती खतरात और इंतहाई मुश्किल से कमाई हुई उजरत की चोरी तक का सामना करना पड़ता है। इंसानी हकूक के लिए सरगर्म ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि लेबर सप्लाई करने वाले कंपनियों ने उन मुलाजमीन को सख्त जुर्माने आयद करने की धमकी भी दे रखी है जो तयशुदा मुआहदे की मुद्दत कम करना चाहते हैं। इस तरह ये कारकुन मौसर तरीके से खलीजी रियासत में फंसे हुए हैं। एमनेस्टी के इक्तसादी और समाजी इंसाफ के शोबे के सरबरा स्टीव कुक ब्रिन ने कहा है कि कारकुनों का ख्याल था कि वो अमेज़न के साथ एक सुनहरी मौका से फ़ायदा उठा रहे हैं, ताहम इसके बजाय उन्हें बदसुलूकी का सामना करना पड़ा जिससे बहुत से लोग सदमे से दोचार हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि जिन लोगों का उन्होंने इंटरव्यू किया उनमें से बहुत से लोगों को जिस शिद्दत की बदसुलूकी का सामना करना पड़ा है उसे मजदूरों के इस्तेहसाल के मकासद के लिए इंसानी स्मगलिंग के मुतरादिफ समझा जा सकता है। एमनेस्टी ने कहा कि इस रिपोर्ट में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले 22 मर्दों की रुदात से अखज़ किए गए हकायक शामिल हैं जिन्होंने 2021 तक सऊदी दारकूमत रियाज या बहर अहमर के साहिली जिद्दा में गोदामों में काम किया। कुक ब्रिन के मुताबिक एमनेस्टी को शुभा है कि इसी तरह के खौफनाक और नारवा सलूक का शिकार सैकड़ों मजीद कारकुन भी हो रहे हैं। एमनेस्टी ने भर्ती करने वाले एजेंट्स और 2 सऊदी लेबर सप्लाई कंपनियों में तारिकी ने वतन मजदूरों को धोखा देने का इल्जाम लगाया है जो समझते थे कि वो अमेज़न के जरिए बराह रास्त मुलाजमत करेंगे और उन कारकुनों ने इस भर्ती की फीस अदा करने के लिए भारी कर्जे भी लिए। ताहम एमनेस्टी ने कहा कि सऊदी अरब पहुंचने पर उन्हें इंतहाई गंदी और भीड़ से भरी रिहाइश का सामना करना पड़ा। बाज़ औक़ात उन्हें खटमल जैसे कीड़ों तक का
का भी तजुर्बा होता है और साथ ही मुसलसल निगरानी और नाकाफी आराम की वजह से काम के खौफनाक हालात का सामना करना पड़ता है, जिसके नतीजे में बाज़ औक़ात वो ज़ख्मी या बीमार हो जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अमेज़न कंपनी से मुतालबा किया है कि मुतासर कारकुनों को मुआवजा दे और अपनी सप्लाई चेन के साथ काम करने के हालात की तहकीकात कराए। अफगानिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड की बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम हुई। 285 रन के हदफ का ताकुब में इंग्लैंड की पूरी टीम 215 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि वाहिद बल्लेबाज हैरी ब्रुक 66 रन के साथ नुमाया रहे। यह अफगानिस्तान की वर्ल्ड कप की तारीख में दूसरी कामयाबी है। इससे कबल अफगानिस्तान ने 17 वर्ल्ड कप मैचेस खेले, जिसमें 16 में शिकस्त और सिर्फ एक में कामयाबी मिली थी। अफगानिस्तान ने 2015 के वर्ल्ड कप में पहली जीत अपने नाम की थी। इतवार को इंग्लैंड और अफगानिस्तान के दरमियान मैच नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला गया, जहां इंग्लिश कप्तान जोस बटलर ने टॉस जीतकर अफगानिस्तान को बैटिंग की दावत दी। पहले बैटिंग करते हुए अफगानिस्तान की टीम आखिरी ओवर में 284 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। गुरबाज 80 और अकरम 58 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के खिलाफ अफगानिस्तान की इनिंग्स का आगाज शानदार रहा। ओपनर रहमानुल्ला गुरबाज और इब्राहिम जादरान के दरमियान पहली विकेट पर 114 रन की शराकतदारी कायम हुई। ताहम फिर इब्राहिम को इंग्लिश बॉलर आदिल रशीद ने 28 रन पर पवेलियन भेजा। यूं अफगानिस्तान की पूरी टीम 49.5 ओवर्स में 284 रन पर आउट हो गई। इंग्लैंड की जानिब से आदिल रशीद ने 3, मार्क वुड ने 2 विकेटें हासिल की। अफगानिस्तान के 285 रन के हदफ के ताकुब में इंग्लैंड की बैटिंग शुरू से ही मुश्किल का शिकार रही। मुसलसल विकेटें गिरने की वजह से इंग्लिश बैटर्स जम कर न खेल सके। हैरी ब्रुक के अलावा कोई भी बैटर अफगान बॉलर्स के सामने ज्यादा मुजाहमत न कर सका। मुजीबुर रहमान और राशिद खान ने 3-3 विकेटें हासिल की, जबकि मोहम्मद नबी ने 2 खिलाड़ी को आउट किया। शानदार बॉलिंग की वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच करार दिया गया। आपको याद दिला दूं कि अफगानिस्तान और इंग्लैंड ने रवा वर्ल्ड कप में अब तक 3-3 मैचेस खेले हैं और दोनों टीमों को 2-2 मैचेस में शिकस्त और एक में कामयाबी मिली है। फिक्र नज़र की खास बुलेटिन दूरबीन की गुज़िश्ता पेशकश में अब्दुल वाहिद रहमान खान, अविनाश यादव, मौलाना अब्दुल सुभान रहमानी और अब्दुल रशीद नास्कर साहबान ने अपना कीमती तबसरा करके हमारी हौसला अफजाई की है। हम अपने तमाम नाजरीन का शुक्रिया अदा करते हैं। आप मुझसे और हमारे साथियों से ट्विटर यानी एक्स पर भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा एक्स हैंडल है @फिक्र नज़र। शुक्रिया।